नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के खिलाफ विवाद बढ़ता जा रहा है। अब नाना पाटेकर ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल खबर ये मिली है कि नाना ने पलटवार करते हुए तनुश्री दत्ता को लीगल नोटिस भेजा है और उन्होंने तनुश्री दत्ता से इस पूरे मामले पर माफी मांगने की बात कही है। इस बात की पुष्टि नाना के वकील राजेंद्र शिडोरकर ने की है। नाना पाटेकर के वकील की माने तो तनुश्री दत्ता को लीगल नोटिस भेज दिया गया है और आज उन्हें वो नोटिस मिल जाएगा। वकील के मुताबिक हमने उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है और नाना पाटेकर की इमेज खराब करने के लिए माफी मांगने को कहा है। मीडिया से बात करते हुए नाना पाटेकर के वकील ने कहा कि इसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रही है इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नाना जल्द ही मुंबई आकर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजेंद्र शिडोलकर ने दावा किया था कि उन्होंने तनुश्री दत्ता को लीगल नोटिस भेजा था, जबकि तनुश्री दत्ता की ओर से कहा गया था कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के अलावा कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बॉलीवुड में अगला हैशटैग होना चाहिए कि मैं नाना पाटेकर के साथ काम नहीं करूंगा। आपको बता दें कि इस वक्त नाना पाटेकर जैसलमेर में हैं, जहां वो हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के आखिरी में नाना पाटेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो तनुश्री दत्ता के सभी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।